वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम वर्कशीट 18 को डिस्कस करेंगे, जो कि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। वर्कशीट 25 जुलाई 2020 की है। अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। समीर अपनी नानी के घर अपनी फैमिली के साथ जा रहा है। हिज नानी लिव्स इन सोनीपत, उसकी नानी सोनीपत में रहती है। On the way, they stopped at a dhaba to have lunch. रस्ते में वे एक ढाबे पे लंच के लिए रुके। समीर saw the menu card. समीर ने मेन्यू कार्ड देखा। मेन्यू कार्ड कुछ इस प्रकार है। This is दाल फ्राई, मिक्स वेजिटेबल्स, मटर पनीर, राजमा चावल, रोटी, पूरी, गुलाब जामुन, रायता। और सब का जो रेट है वो यहाँ पर दिखाया गया है। फुल प्लेट का रेट अलग है और हाफ प्लेट का रेट अलग है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं। बच्चों, क्वेश्चन है, द फैमिली ऑर्डर्ड 1 प्लेट दाल फ्राई, 1.5 प्लेट मटर पनीर, 1 प्लेट राजमा चावल, 10 रोटीज, 5 पूरीज एंड 1 प्लेट रायता। हाउ मच मनी डिड दे पे फॉर देयर लंच। ये उन्होंने, उनकी फैमिली ने ऑर्डर किया है। आपको बताना है कि उनकी फैमिली को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। तो ये पूरा मेन्यू कार्ड है जिसमें डिशेज दी गई है और साथ में उनका फुल प्लेट और हाफ प्लेट का रेट यहाँ पर दिया गया है। फैमिली का ऑर्डर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फैमिली ऑर्डर्ड इक्वल टू दाल फ्राई 1 प्लेट, मटर पनीर 1.5 प्लेट, राजमा चावल 1 प्लेट, रोटीज 10, पूरीज 5 एंड रायता 1 प्लेट। तो सबसे पहले देख लेते हैं दाल फ्राई का 1 प्लेट का रेट कितना है। 50 रुपये, तो यहाँ लिख दिया मैंने 50। अब आगे मैं इसमें ऐड करता हूँ मटर पनीर, तो मटर पनीर का रेट कितना है, 70 फुल प्लेट का है और 40 हाफ प्लेट का है। तो हमारे क्या आ जाएगा, 70 प्लस 40, क्योंकि जो हमने ऑर्डर किया था वो क्या था, 1.5 प्लेट। आगे देखते हैं राजमा चावल। राजमा चावल का 1 प्लेट का प्राइस है 80 रुपीज, तो मैंने यहाँ पर 80 रुपीज को ऐड कर दिया है। उसके बाद रोटीज का 4 पर पीस, यहाँ पर 4 रुपीज पर पीस है। तो यहाँ पे कितनी रोटीज ऑर्डर की है, 10 रोटीज, तो क्या होगा, 10 × 4। आगे लिखा हुआ पूरीज 5, यानी उन्होंने 5 पूरीज ऑर्डर की थी, तो एक पूरी का रेट है 5 रुपीज, तो 5 पूरीज का रेट क्या होगा, 5 × 5। आगे लिखा हुआ रायता 1 प्लेट, रायते की फुल प्लेट का रेट है 30 रुपीज, तो मैं इसमें 30 रुपीज ऐड कर देता हूँ। अब इसके बाद सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो नीचे देखिए 50 प्लस 70 प्लस 40 प्लस 80, मैंने एज इट इज लिख दी है। उसके बाद मैं प्लस 40 करूँगा, क्योंकि 10 × 4 कितना होता है, 40 होता है। अगेन मैं प्लस करूँगा 5 × 5 25 प्लस 30। अब मैं इन सभी को आपस में जोड़ दूंगा, 50 प्लस 70 प्लस 40 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 25 प्लस 30। इनको जोड़ने के बाद मेरे पास आता है 335 रुपीज। तो फैमिली ने जितना भी ऑर्डर किया था तो उनको 335 रुपीज देने हो गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बिफोर मेकिंग द पेमेंट ऑन समीर रिक्वेस्ट हिज फादर ऑर्डर्ड 10 गुलाब जामुन्स, हाउ मच डू दे हैव टू पे नाउ। उन्होंने अभी पेमेंट नहीं की है। समीर ने फादर से रिक्वेस्ट की कि फादर मुझे 10 गुलाब जामुन्स और चाहिए, तो अब उनको कितना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे गुलाब जामुन जो है वो यहाँ पर लिखा 10, तो यहाँ पे आई थिंक पर पीस मिसिंग है यहाँ पे, और क्या आएगा, पर पीस, 10 रुपीज पर पीस। तो एक जामुन का, एक गुलाब जामुन का रेट है 10 रुपीज। टोटल ऑर्डर्ड एक्सेप्ट गुलाब जामुन, जो कि हमने
पिछले वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था हमारा कितना आया था 335 रुपीज। अब प्राइस ऑफ 10 गुलाब जामुन क्या होगा, 10 × 10, क्योंकि एक गुलाब जामुन का प्राइस है 10 रुपीज और उन्होंने 10 गुलाब जामुन परचेज की थी, तो 10 × 10 = 100 रुपीज। अब टोटल बिल होगा गुलाब जामुन के साथ 335 जो कि पहले कैलकुलेट हुआ था, प्लस में 100 जो कि उन्होंने बाद में ऑर्डर किया था, हम दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा आएगा 435 रुपीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ हिज फादर गिव्स ए रुपीज 2000 नोट टू द कैशियर, यदि उसके पापा ने 2000 का नोट कैशियर को दिया, देन हाउ मच मनी विल ही गेट बैक, तो उनको कितना पैसा वापस मिलेगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, 2000 में से 435 को माइनस करना है, तो मनी ही विल गेट बैक, मनी उसको वापस मिलेगा 2000 में से, अगर मैं 435 को माइनस करता हूँ तो हमारा आंसर आता है 1565 रुपीज़।